राम राम सत श्रीकाल सारे दोस्तों नूं। सो शहर जींद दे विच आपां थानेदार डेयरी फार्म दे उपर तुहानूं इहनां दे आपां बहुत चंगे ते लाजवाब पशु दिखाउणे आ ते गल्लबात करदे आ आपां तुहानूं दिखाउणे आ इहनां दे पशु आपां। राम राम भाई साहब। और क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई साहब, ठीक है भाई। आपका पशुधन बहुत अच्छा है भाई, लाजवाब है। तो भाई कितने साल से कर रहे हो ये धंधा आप? सर पहले पापा करते थे, अभी जी भी साथ ही करते हैं मेरे, और छः साल। जैसे किसी का सरनेम पे रखा होता है या कैसे रखा होता है नाम? आपका थानेदार डेयरी फार्म, वो उसके बारे में मेरे को जरूर। पुलिस में है, अच्छा, रिटायर हो गए। अच्छा, तो उनके नाम से सारी कहते ना, थानेदारी डेयरी, थानेदारी डेयरी। अच्छा, तो उससे ही डेयरी फार्म उससे चल रहा है। ठीक है भाई, तो आपने अपना पिता पुरख ही काम संभाला है भाई अपना, ठीक है। आपको तकरीबन कितने साल हो गए भाई ये काम संभाल? 6 साल हो गए। तो स्टडी के बाद इधर लग गए फिर भाई? हैं पहले दो बिजनेस किए, उसके बाद सेट हो गए। बिजनेस फिर रास नहीं आया भाई? सर मन नहीं लगा। अच्छा, तो ये काम रास आ गया भाई। ठीक है भाई, तो इस जोटी की बात करते हैं भाई। बहुत ही हाइट लेंथ बहुत अच्छी है। तो जौन से पशु आपके फार्म पे देखने को मिलते हैं, कहीं और मिलते नहीं भाई। जिला जींद की मैं कहूँगा बेस्ट डेयरी है आपकी। तो आपका मैं नाम पूछना भूल गया भाई, बलजीत नाम है सर। बलजीत, हाँ जी, बलजीत थानेदार डेयरी फार्म। तो इस जोटी के बारे में भाई जरूर बताएं। ये सर दूसरे ब्यात की है जी, और अभी इसमें मौके पे 19-20 दूध तैयार है। दूध तैयार है भाई? हाँ। दांत पूरे कर रखे हैं भाई इसने? दांत सर देखे नहीं, पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसके दांत नहीं देखे? और नीचे इसके कट्टी है, नीचे भी बहुत शौक से ही पाल रहे हैं। ठीक है भाई, कटड़ी काफ़ी अच्छी है भाई। मैं कटड़ी दिखा देता हूँ आपको भाई की। ये दूसरे ब्यांत में गई हुई ये जोटी है, बहुत अच्छी जोटी है भाई। और खोल के भी दिखा देंगे आपको एक बार भाई। कटड़ी बहुत अच्छी है भाई। कटड़ी को क्या खिला पिला रहे हो, इतनी अच्छी है ये? बस सर दूध ही पिलाते हैं हम इसको, टाइम का 3-3.5 किलो दूध कम से कम पिलाते हैं एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का इतना तो भाई चाहिए, तभी बच्चा काफ अच्छी तरह तैयार हो जाता है। दूध बेचने का भी काम है। ठीक है भाई, कट्टी अच्छी है सर, बाकी माँ की हाइट लेंथ बहुत अच्छी है, दूध वाली है। तो भाई खोल के दिखा दो मेरे को एक बार। तो भाई दूसरे ब्यांत में है, जितने भाई पशु दिखा रहे हैं जब सेल के पर्पस से हैं किसको? ठीक है भाई, अपने पास 7 हैं 4 मेरी सेल होगी। ठीक है, दिखाने को फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। ये जो भाई आपको अभी दिखा रहे हैं ये सेल के लिए, किसी भाई को पसंद आए तो भाई को कॉल कर सकते हैं। तो ऑर्डर की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा ऑर्डर है इसका जोटी का। और हाइट लेंथ आप देख लो कि भाई के ऊपर से जा रही है जोटी, सींग की बहुत अच्छी है, पिटपुड़ा बहुत अच्छा है। तो अभी दूध कितना, 18-19 किलो? 20 किलो दूध है सर। अच्छा भाई, कितने दिन की ब्याई होगी भाई ये? फिर तो भाई और भी बढ़ेगी ये, बिल्कुल बढ़ेगी। कितनी उम्मीद कर रहे हो भाई इससे? 22 किलो भाई है भी अच्छी बहुत। तो भाई इसकी कीमत वगैरह बताना चाहोगे आप? कीमत सर पता है क्या चक्कर है, मौके पे ही ठीक है। अच्छा, मौके पे पता है क्या बात है, कई बार आप कोई दलाल भी आ जाते हैं, बोलते हैं 10-20 में मेरे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। कीमत बताऊं, ज्यादा बताऊंगा सर तो देखने वाले बोलेंगे ज्यादा मांग रहे हैं। ज्यादा मांग रहे हैं, सही बात है भाई। लेकिन भाई इतनी अच्छी क्वालिटी की भैंस बहुत ही कम देखने को मिलती है भाई। तो अपने फार्म पे भाई ज्यादा से ज्यादा कितने दूध वाली भैंस आ रखी है अब तक? बस सर देखो, अपने पास अभी फिलहाल इस साल में 2-25 किलो दूध तुल के गई है। अच्छा भाई, हाँ। और बाकी सर पहले कट्टी एक ने 23.5 किलो दूध दिया है। अच्छा भाई, वो पांडवान ले गए थे। अच्छा, ताऊ जी के लड़के। ठीक है, ठीक है भाई। बाकी सर तो मतलब 25 किलो भाई बहुत ज्यादा दूध होता है। 25 किलो अमृतसर में भी दूध दिया है, मेरी डेयरी में नहीं था लेकिन उनके घर पे जाके दिया। आपने जिसकी वीडियो बनाई थी ना, ठीक है, गुरुवाड़ी वाले बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, उनके घर पे दिया। अच्छा, आपसे गई हुई है, 25 किलो दूध दिया है। ठीक है भाई, तो ये आ गई अपनी भाई दूसरी जोटी। तो इसके पीछे काफ मेल है या फीमेल है भाई? फीमेल काफ है इसकी भाई। हाइट लेंथ इसकी भी बहुत अच्छी है, तकरीबन पूरे अच्छे आर्डर के और बड़े कद काठी की भैंसे हैं भाई के फार्म पे जितनी भी हैं। तो इसकी क्या डिटेल है भाई? पहले ब्यात में भी आई है, चौथे दिन ही आई है सर, मतलब देसी भाषा में कहते हुए खीस से खाली कर दी। अच्छा, पंजाबी कहते हैं घोड़े से खाली कर दी। ठीक, ठीक है भाई। अभी इसमें सर 10 किलो है, 10 किलो दूध है तैयार है। तो उम्र में कितनी है भाई? उम्र में 4 दांत। 4 दांत है, ठीक है भाई। तो भाई मैं दिखा रहा हूँ जोटी, ये भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, खोल के दिखाना भाई। आप अड्डर पे नशे हैं सर आगे पीछे? ठीक है भाई। तो भाई इसको ब्रीडर भी बहुत अच्छा मानते हैं नसों को, है ना?
जितनी ज्यादा नसें होंगी उतनी अच्छी मानते हैं ब्रीडर। मेन तो दूध अच्छा देना सर, सबसे अच्छी तो वही होती है। ठीक है भाई, बाकी कहने वाले अबे नसे जिसके ज्यादा ड्रुपी हो ना वो ज्यादा दूध दे देती है, ज्यादा दूध दे देती है, कुछ होता नहीं। अच्छा, इसका पिटपुड़ा भी भाई बहुत अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ। हाइट लेंथ सभी भैंसों की बहुत अच्छी है। गुमाला भाई, तो फीमेल काफ है इसके नीचे। जिस किसी भाई ने कोई भी जोटी पसंद हो भाई नु फोन कर लियो भाई, जो रेट वगैरह की बात है वो फोन पे होगी। और कई भाई बोल देते हैं भाई वीडियो बनाने का फायदा नहीं, आपने रेट तो बताया नहीं उसमें। सुनो, जब किसी को लेनी होगी फोन तो वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, सही बात है भाई। हाँ, वैसे कोई बोलने का भी फायदा नहीं है भाई। तो ये भी भाई बहुत अच्छी जोटी थी, चार दांत है मुंह से, और ये अभी भी आई है भाई, है ना। हाँ ठीक है भाई, तो इसके पीछे मेल काफ है। ठीक है भाई, कटड़ा भी भाई पूरा अच्छा दिया है इसने, भारी भरकम, मुंह से चार दांत है भाई। ये भी अच्छी कद काठी की है। ठीक है, आर्डर की बात करें भाई, आर्डर भी बहुत अच्छा है इस जोटी का। अच्छा ठीक है जी, हिल जाता है वो थोड़ा, तो अभी भाई ब्याने के बाद एक बार पशु बुझ सा जाता है भाई, है ना। नहीं बाकी सर वजन बहुत है, सींग हाँ, बहुत अच्छा है, सींग भी बहुत अच्छा है, सही बात है भाई। दूध देखो ऊपर वाले की मेहनत से कितना दे, नहीं दूध भाई ऐसे ऑर्डर की क्वालिटी है, थन वगैरह अच्छा है, तो दूध तो अच्छा ही देगी तकरीबन ये। तो भाई ये भाई की तीसरी जोटी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई ने बोला तो दो चार दिन पहले भी आ गई ये टाइम से, थोड़ी गर्मी भी है भाई। हाँ, गर्मी के कारण भी थोड़ा हो जाता है। तो बहुत अच्छे पशु दिखाए मैंने आपको, और भी हैं अपने पशु भाई? वो सर सेल कर दिया सर। अच्छा, बाकी सेल हो गए। तो भाई आपके पास मतलब आपके फार्म पे पूरे इंडिया में ही जाते होंगे पशु? हाँ। कहाँ कहाँ के जाते हैं भाई? सर ऑल ओवर इंडिया ही जाते हैं, मोस्टली पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जी, मुंबई साइड। वैसे तो बात भाई करें, बोलते हैं 11 लाख 15 लाख, आपने अभी तक कितनी महंगी भैंस बेची अभी तक? 5.5 लाख की, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, इतने में, क्योंकि जैसे आप 25 किलो दूध वाली इतनी चलती है भाई। मेरी भी 2 लाख की गई थी सर, 25 किलो वाली भी। अच्छा पूछ लेना बाबा जी आपके पड़ोस में ही। ठीक है, ठीक है भाई, तो ठीक में खुशी है सर, अपन खुशी पैसे बच जाए, हम तो सर रोज 2-4 अगर बेचने में ज़्यादा यकीन करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा 10-20 हज़ार का मार्जिन नहीं होता, कोई ज़्यादा तो भाई होता नहीं होगा इसमें सर। पता है कर, कोई घटा भी जाती है, कोई बचा भी जाती है, तो सर त्रय सर। ठीक है, ठीक है भाई, 4-5 हज़ार आ जाए तो सर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत हो जाती है, एक दिन में अगर एक भी बेचते 4-5 हज़ार बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, सही बात है भाई। बाकी आपका दूध का काम चलता रहता है भाई साथ में? बड़ी दूध का सेल होता है सर, खर्चे पानी चलते रहते सर। ठीक है भाई, तो थानेदार डेयरी फार्म की भाई मैसे दिखाती, मैं भाई से करवाती बात आपकी। तो कोई भी सवाल जवाब होगा तो भाई का नंबर मैंने वीडियो में दे रखा है, तो बात कर लेना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।